ऐसी सब्जी मतलब अभी अपने ग्राम में स्टार्ट को नहीं हुआ था, स्टार्ट हो गई है। इस शीश कटने के बाद में एक हाथ में आपको शीश लियो हो और दूसरी हाथ में तलवार लेके लड़ता लड़ता अमृतसर है जिसको आजाद कराए हो। और की कर रहे गाजर काटोगे। राम राम, मैं थरोदेसी पत्रकार सुदेश थे, देख रहे हो झलको राजस्थान। चैनल पर नया हो तो चैनल ने लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। आज आप आए हाँ राइस नगर। राइस नगर में शहीदों वाला गुरुद्वारा है, अठ राइस नगर केवल और केवल 2 किलोमीटर दूर। तो ई गुरुद्वारे की के विशेषता है आप अठेगा जगह पुजारी है पाठी है बात करांगा थे। चैनल पर बने रहो, अगर अठ आयडा हो थे तो कमेंट करके जरूर बताया। माने सगला जितना भी दर्शक है अब हमारे सागे सागे थे ई गुरुद्वारे रा दर्शन करो, क्योंकि अब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है इरला रे कि आप रो शीश कटने रे बावजूद भी दूसरे हाथों तलवार उठार बा अमृतसर आजाद करवायो हो और बांगी याद में वो गुरुद्वारो बनायो गयो है। इस जगह अब 24 घंटा कीर्तन हुआ है और 24 घंटा है जबकि अठे लंगर की व्यवस्था है। अब थे दर्शन करो गुरुद्वारे में, देखो अभी अब थे माथो टेक्स को हो घर बैठे ही और मारो नमन है और मैं भी अठे माथो टेक्यो है। के करो माता जी और की कर रहे गाजर काटोगे। हाँ जी गाजर। लगभग अठे कितना आदमी आ जाए रोज आ जावाती 25-30 हो ही जाते हैं। अच्छा, और जब मेलो वगैरह हुआ कोई पूर्णमासी वजह कितना आदमी आ जाए? आदो तो 2000 दे नेड़े नेड़े हो जांदा आदमी, 1500-2000 दे। और जब 2000-1000 आदमी हो जाए जब फिर थे तीन ही जना रहे हो या और भी आ जाए सेवा करने? सेवा वाले वादू आ जांदे बहुत सेवादार रहे दार। और जी हां बात कर ले तो थारो घर कठे कितनी दूर है मतलब अठू? इत्थे रहने इत्थे विच क्वार्टर मिले हुए सानू। अच्छा मतलब अठे ही रहे होते हैं और मतलब पूरा दिन है जो सेवा भाव है करता रहे होते हैं? सेवा करते रहे आपके क्वार्टर में फिर चले जाते हैं। अच्छा, और कोई भी आदमी भूखो आवे और तीसो आवे तो बिना सब भाई चाह पानी मिलेगा लंगर मिलेगा सब 24 घंटा मतलब सेवा है इसके उपलब्ध? लंगर खुला रहता है 24 घंटे। अठे कितने सालों थे आओ? लगभग 15-18 साल हो गए जब से मतलब आना जाना चालू हुआ है गुरुद्वारा साहब में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मतलब जब भी आओ लंगर एनी टाइम मिले? बिल्कुल। अभी देखो चने की जो की सब्जी है जी कच्चो छोलियों के, ये देखो श्रद्धालु कितनी मतलब प्रेम देखो ऐसी सब्जी मतलब अभी अपने ग्राम में स्टार्ट को नहीं हुआ था, स्टार्ट हो गई है मतलब लोगों की भावना जुड़ी हुई है ऐसी बात को नहीं, पूरा योगदान है हमारा भी है मतलब लोगों को भी है और जो बाहर गए हुए हैं जैसे ये 12-20 गाँव से बाहर गए उनका भी पूरा सहयोग है यहाँ पर। और कितनी दूर आया हो? मारो तो पास में जिनकी 5-4 किलोमीटर दूर है गांव। मतलब जद भी अटकर आओ तो मत हो टेक कर जाओ। अभी लंगर की कोई इच्छा को नहीं, फिर भी लंगर छकने की मतलब मन में रहती है वो क्या बोलते हैं उसको उसके हिसाब से मतलब प्रसादी तो लेनी लेनी है गुरुद्वारे में। हाँ वो चीज़ है, अभी कोई ये बात नहीं है अभी अपनी दूर से आए हैं तो खाना खा रहे हैं लेकिन प्रसाद रूप में। ए हटा आप देखा तो ये है बर्तन धोने वाला, इंग अंदर बर्तन गाल दिया जवा है, कन्नू आगे दिखाऊंगा था ना, इंग अंदर बर्तन गाल दिया जवा और बाद में बर्तन धोने में आसानी रहे। एक में बर्तन गाल दियो फिर दूसरे में ट्रांसफर कर दियो फिर तीसरे में और आगे बदल दियो तो बाद में कहे कि बर्तन धोया जवा है। तो आज जिया मतलब मैं अठे राइस नगर आयड़ा हा और ई रोड जा रहा है जब मतलब आलीशान और भव्य माने वो गुरुद्वारो है लागे है, तो इनके पीछे के कहानी है और मैं सुनियो जब माने यहाँ सुनने में आयो कि शहीदों वाला गुरुद्वारा बोला है तो इनके पीछे के कहानी है? ये गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह शहीद जो अमृतसर दे विच मुगल पठाना ने मसे रंगड़ ने जो हरिमंदर साहब के सरोवर नु बोरना चाहिए घोड़िया की लिदर पा के बोरना चाहिए वो बाबा दीप सिंह उन्होंने नाम के ये स्थान बने तो उन्होंने उदो हरिमंदर साहब नूं आजाद कराया से मुगलों तो जो घोड़िया की लिदा पा के बोलते से मसे रंगड़ का सिर वढ़ के फिर सिंघां ने अमृतसर तो हनुमानगढ़ गुरद्वारा टोन है उत्थे लिया के जो रखे उतों ले के फिर आके सुखा सिंह महताब सिंह ने बुढ़ा जोड़ गुरद्वारा बूढ़ा जोड़ जो अपने इधर चे अपने जेत सर के डबला हाँ डबले के नजदीक है पासी है हाँ। सुखा सिंह महताब सिंह ने फिर अमृतसर से मसा सिंह रंगड़ का सिर वढ़ के गुरुद्वारा पहला रात रहे हनुमानगढ़ टोन हनुमान से चल के बूढ़ा जोड़ आए बूढ़ा एक जंड का दरख्त था बहुत भारी उस जंड के दरख्त पे उस सिर को लटकाया वो जंड भी उस मसे रंगड़ का जो शेष सी उसका बार उसका पाप नहीं सह सका वही दो फाड़ होकर डिग पड़ा इतना पापी था वो। अच्छा मसा रंगड़ आपा कह दिया तो परिचय थोड़ा सो कुन हावे मसा रंगड़
होता मुसलमान मुगल शासक थे जो हरिमंदर साहब अमृतसर में वेश का नाच निकालते थे, जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश है वो थे, वहाँ पे मसा रंग आप शराब पी के कंजरी का नाच कराता था, आप देखता था। वहाँ से फिर बुढ़ा जोर से दो सिंह गए अमृतसर, किसी ने बोला यार अमृतसर तो बहुत बेअबी हो रही है। वहाँ से एक बलाका सिंह सिख नाम का यहाँ पे आया, जख्मी होके आया, लड़ता आया। उसने खबर दी भाई अपने अमृतसर गुरुद्वारे साहब जो मसा रंगड़ बहुत बेअबी कर रहा है, कंजरी का नाच करा रहा है, मांस खा रहा है, फूका पी रहा है। फिर यहाँ से दो सिंह गए, वे पंजाब के थे, मलेरकोटले थे। उन्होंने जाके फिर पट्टी के लंबरदार बने, बेस बनाया पट्टी का लंबरदार, मतलब वेशभूषा चेंज कर ली। वहाँ वहाँ के पट्टी का लंबरदार बने, बेस बनाया, बाल पीछे छिड़ के बड़े बड़े चोले पा के उन्होंने ठीकरे के सिक्के बनाए गोल, फिर दो बरियाँ सिक्कों की बरियाँ ठीकरे की। फिर जो अमृतसर नजदीक पहुँच गए, फिर आगे लाची बेरी होती है दरबार साहब के सामने, उन्हें वहाँ पे घोड़े बांध दिए, वहाँ पहरेदार खड़े थे। उन्हें बोला भाई कहाँ जा रहे हो, वो कह रहे भाई हम चौधरी साहब को मामला देना आए हैं, वेट करना आए हैं, हमें जान दो आगे उपहार देने वास्ते। और मतलब दर्शकों ने बता दिया कि की ठीकरी वह है घड़ेगी बे काट के सिक्का नू में बना के और बिंग अंदर गोल और पैक कर दिया ताकि अगला निया लग गया जहाँ वे वाकई में सिक्का है, वाकई में सिक्का है, ये मावला पैसे देने के लिए वो भेड़ करने जा रहे हैं जी। फिर जो उन्हें पहरेदार ने बोल दिया भाई चले जाओ, भाई आंधे वक्त माने कुछ थोड़ा थोड़ा दे दो, मारे बाल बच्चा है, वो कहना थाने दे दें कोई बात नहीं, मैंने एक बार जान ले दो। अमृतसर दरबार में पहुंच गए, फिर उन दोनों सिंह ने देखा भाई ये बहुत माड़ा हो रहा है, जैसे गुरु का मरगा यहाँ प्रकाश है, मसांगड़ पलंग बह के बैठा है, होका पी रहा है, मांस खा रहा है, कंजरी का नाच नचा रहा है, तो उन्होंने बोले तो बहुत बेवदी है। फिर उन्होंने मसा रंगड़ के पलंग के पास बैठ जाके बोला हाँ चौधरी साहब जी ये मावला पैसे उगरा के लिए कहाँ रखें। तब मसा रंगड़ ने बोला भाई मेरा पलंग ना इसके नीचे रख दो। जैसे उन्हें नीचे करके धोन नीचे करी, एक ने तलवार काटी था उसका सिर अलग कर दिया धड़ से, मतलब धड़ से अलग कर दिया, सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर जो आगे आया लड़ने के लिए हमारी चौधरी को इन्होंने काट दिया। उन्होंने फिर बेसवा जनानी को तो कुछ नहीं किया, जो आगे पहरेदार से उन्होंने तो लड़ाई लुड़ लड़ी। फिर उसका सिर बर्छे के नेचे में टांग के घोड़े में चल के वहां से निकल गए, वहां से हरी का दरिया टप के हनुमानगढ़ रात टोंड रहे गुरुद्वारा साहब, बहुत आलीशान गुरुद्वारा बना है। उससे सुबह बुढ़ावड़ आके पहुंचे, बुढ़ावड़ आके एक दरख्त था जंड का, वो जंड के उस चीज को लटकाया ना चौधरी का मस्से रंगड़ का, तो वो जंड भी उस पापी का बार नहीं सह रखा, हार के डिग नीचे गिर पड़ा। वो जंड की लकड़ हाले भी उस गुरुद्वारा बड़ा जो में रखी हुई है देखने के लिए, इतना पापी था, एक दरख्त जंड भी उसका बार पाप नहीं सह सका, दो फाड़ होके गिर पड़ा। वो योद्धा बाबा दीप सिंह जिसने अमृतसर हरिमंदर साहब को आजाद कराया था मुगल सेना से, जो अमृतसर के सरोवर में घोड़ों की लीद बार बार के बोल रहा था, ये बाबा दीप सिंह वहां पे दमदमा सा गुरुद्वारे से। अच्छा, तो अमृतसर से एक सिंह गया दमदमा साहब, यहाँ पे जो पहुंचा दखमी सा सिंह ने बोला भाई आप कहाँ से आए हो, उन्होंने बोला मैं अमृतसर नगरी से आया हूँ। जो अमृतसर जो नाम लेना बाबा दीप सिंह के डोले फड़क कर गए, इसको ले आओ हमारे गुरु के नगरी में आया। अच्छा, क्या बात है। फिर उन्होंने बोला भी हरिमंदर साहब सरोवर में मसा रंगड़ दरबार साहिब बेदी करा रहा है, नाच कर रहा है, कंजरी नचा रहा है, मांस खा रहा है। फिर बाबा दीप सिंह ने बोला हो जाओ सिंह इकट्ठे। फिर वहां से बाबा दीप सिंह चले अपनी तैयारी करके हरिमंदर साहब अमृतसर को आजाद कराने के लिए। दमा से गांवों में होते जाते जाते नगरों में कई सिख इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने बोला अरदास की उन्होंने हे सच्चे पातशाह मैं अपने हरिमंदर साहब को आजाद कराना है, लोग तो बतासे मिठाई को प्रसाद चढ़ाते ना, मैं अपने शीश का प्रसाद चढ़ाऊंगा हरिमंदर साहब आजाद करा के, जब तक मैं हरिमंदर से आजाद ना करा लूं वो तक मैं शहीद ना हूं। उन्होंने ऐसे बोल के चाले पा दिए अमृतसर जाने के लिए। रास्ते में फिर लड़ाई हुई खूब आमने सामने मुगल पठानों की,
बाबा दीप सिंह जी। फिर उन्होंने दोनों खंडे चले आपसे, उनका जरनैल ही शहीद हो गया, कट गया, गिर गया, गिर गया बाबा दीप सिंह शीश गिर गया। तो बाबा दीप सिंह ने फिर खब्बे हाथ में अपना शीश उठाया, सज्जे हाथ में खंडा लिया, तो मुगलों के साथ बिना शीश लड़ते लड़ते अमृतसर आजाद कराया। तो उन्हें अमृतसर उनका एक गुरुद्वारा बना छोटा जा उनके नाम पे, बिना शीश से 3-4 करोड़ लड़ते लड़ते जो अरदास की ना अपने मैं आपको अमृतसर हरिमंदर साहब आपका शीश चढ़ाऊंगा, वो उन्होंने अपना वचन पूरा किया। दर्शकों ने बता दिया कि जिके बात बता रहा है कि इस शीश कटने के बाद में एक हाथ में आपको शीश लियो हो और दूसरी हाथ में तलवार लेके लड़ता लड़ता अमृतसर है जिसको आजाद कराए हो। हाँ जी, वहां पे फिर उन्होंने अपने शीश को वहां पे भेंट किया गुरुद्वारे में, उनके वहां पे गुरुद्वारा बना छोटा जा, तो उनकी याद में ये गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह यहाँ पर आए तो नहीं है, उनकी याद में ये गुरुद्वारा बनवाया है। ये गुरुद्वारा संगत ने से कृपा से पहला छोटा था, छोटा होते होते जैसे संगत की कृपा होती गई ऐसे ऐसे बड़ा होता गया। हूँ यहाँ पर पूर्णमासी का मेला लगता है, अच्छा आए मिले बहुत कट होता है, तो श्रीखंड पाठ तो चलते रहते हैं, लड़ी चलती रहती है, समाप्त होते नहीं। कितना साल पुराना है गुरुद्वारा? ये गुरुद्वारा कम से कम 83 में बना, 82-83 में 1982 यानी कि 80 के दशक में बने रहे। हाँ इस दिन बने हैं, तो संगतों की बहुत अपार कृपा, बाहर विदेशों से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके, कनाडा से संगत बहुत यहाँ पर श्रद्धा रखती है। वहाँ से जो पाठ पूजा कराते हैं वहाँ से पैसे खाते में डाल देते हैं, आके भी सेवा करते हैं। यहाँ की भी संगत राजस्थान की बहुत संगत गुरु को मानती है, श्रद्धालु आते हैं, ऐतवार को संगत बहुत जुड़ती है, 2-3 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाता है। उस रोजाना ही संगत आती जाती है, माथा टेक दिया जाती है, गुरु का लंगर चलता रहता है दिन भर, जब कोई संगत आए लंगर छक के जाती है, और जो भी संगत यहाँ पर अरदास करती है उनकी आशा मादे सदगुरु पूरी करता है, कार्य पूरे होते हैं, आशा मशा पूरी होती हैं, अरदासा बेनतियाँ पूरी होती हैं, और सदगुरु अपार बख्शिश वहाँ पर बहुत कृपा, बहुत एक जो स्थान है बहुत शक्तिशाली है, यहाँ पर सिमर होता रहता है 24 घंटे। मतलब भगवान को नाम है 24 घंटा अठे लियो जावा है, जब आ जकी जगह है वह पुण्य वाली जगह है। लास्ट प्रश्न अगर बाबा जी मैं थानू करूँ तो गुरुद्वारे की जकी लोकेशन है वह किसी जगह है, अगर कोई श्रद्धालु है जिसको आनू चाहे ये गुरुद्वारे में तो वो कहीं आ सके है? श्रद्धालु है जो जो उसकी मनसब है मैं इस गुरुद्वारे में आना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ, वो जाए कहीं है, जब पता उसको मालूम है भाई रायसी नगर में गंगानगर जिले में है, वो गंगानगर जिले से बस चढ़ के रायसी नगर से नज़दीक ही है, 2 किलोमीटर पड़ता है रायसी नगर से, तो आके दर्शन कर सकता है, अरदास बिनती कर सकता है, जो उसकी भावना है उसकी अरदास बिनती पूरी करते हैं, फिर वो आके यहाँ पे जो कोई खंड पाठ सुखता है। तो थाने बता दें कि गंगानगर जिले में रायसनगर नाम की एक जगह है, तहसील है या किस कहाँ अपना छोटो सो शहर है, बिंगे कन्ने ही गुरुद्वारों है जो बनेडो है, बैठे थे विजिट कर सको हो। उम्मीद करना थानो कार्यक्रम पसंद आयो है, कार्यक्रम पसंद आयो तो जरूर बताया थारी राय दिया कमेंट के माध्यम, और चैनल पर नया हो तो चैनल ने लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो बिल्कुल ही ना भूलिया। थाने एक बार फिर बता दें कि रायसनगर अपने श्री गंगानगर जिले की रायसनगर तहसील है, बिंग अंदर 2 किलोमीटर बाहर है वो गुरुद्वारो बनेडो है, आलिशान गुरुद्वारा है, और जिया कि थाने पता चलो कि शहीदां को गुरुद्वारा इन बोला है, और थिएटर विजिट अगर करके गया हो तो मन जरूर बताया कि थे विजिट करके गया हो, और अगर चैनल पर नया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और अगर कोई गंगानगर के अंदर जिया झलको राजस्थान की टीम आईडी है, अगर कोई ऐतिहासिक स्थल मंदिर मस्जिद है तो मन कमेंट के माध्यम जरूर बताओ। धन्यवाद।